यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। ये देवताओं का वास है, इसीलिए इसे देवास कहा जाता है। यह दो देवियों का वास है, तुलजा भवानी और चामुंडा का, इसलिए इन्हें देवास कहा जाता है। यहाँ पर बताते हैं कि माँ सती का रक्त गिरा था, जहाँ जहाँ अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गए, जहाँ जहाँ रक्त गिरा वो रक्तपीठ हो गया। तो उन्हीं में से एक देवास में रक्तपीठ है जिसमें नौ माताओं की उत्पत्ति हुई है। ये बड़ी माँ तुलजा भवानी है और आज से शरादी नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और इसी बीच कई श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए, आप देख रहे हैं सैलाब चल रहा है माँ के दर्शन के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पर सुबह से लेके कल रात की 12 से लेके अभी तक और अब 9 दिन तक ये आयोजन चलता रहेगा, क्योंकि माँ आयोजन इसलिए चलता है क्योंकि माँ मायके में आती है। ये शास्त्रों में बताया गया है कि बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ माँ जब सती के अंग गिरे और उसके बाद वो मायके आई तो 9 दिन माँ मायके में रहती है, इसलिए सारे उत्सव मनाए जाते हैं। एकम दूज तीज चौथ पंचमी छठ सप्तमी अष्टमी नवमी, महानवमी के दिन माँ की विशेष पूजा की जाती है और उसके बाद दसवीं के दिन माँ विदाई ले लेती बाबा भोलेनाथ के साथ। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ माँ तुलजा भवानी और चामुंडा का जो चमत्कार देख रहे हैं, प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं, भारतवर्ष से आ रहे हैं यहाँ पर। माँ अपने ऐसी माता बहना भी आती हैं जिनकी उनके पास उनके बाल बच्चे ना होते हैं तो यहाँ माँ के मुंह में 5 पान का बीड़ा दिया जाता है और उस माता बहना को बिठाया जाता है और उसकी गोद भरती है। इसीलिए सबसे बड़ा चमत्कार ये है, यहाँ पर उल्टे स्वास्तिक बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा स्थान है यहाँ पर पहले उल्टे स्वास्तिक बनाए जाते हैं, जब उसकी मन्नत पूर्ण होती है तो यहाँ पर सीधे किए जाते हैं। यहाँ पर नाथ संप्रदाय की पूजा है और जो देख रहे हैं आप, 9 दिन में कम से कम 40-50 लाख लोग माँ के दर्शन का वह आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पर आएगा और प्रशासन की यहाँ पुख्ता इंतजाम है, बहुत अच्छे इंतजाम है। और मैं सूर्यनाथ जी बताना चाहेंगे कि यहाँ की जगह भक्तजन आज के जो पहला नवरात्रि जो आरंभ हुआ है इसके लिए कितनी पब्लिक यहाँ की जगह भक्तजन आए हैं और क्या यहाँ की व्यवस्था बताना चाहेंगे? ऐसा तो क्या है, माँ सती के रक्त से या माता जी के प्रकट हुआ है, यह रक्त वाहिनी चामुंडा कहता है कहलाती है। जहाँ जहाँ ऐसा तो 52 शक्तिपीठ है और ये 8 शक्तिपीठ है। यहाँ रक्त गिरे थे माता जी के दो टेकरी में देवास में, तो इस वजह से देवासवासी इसका देवास का नाम पड़ा। ये दिन में 3 रूप बदलती है देवी और दिन ब दिन महिमा बढ़ती जा रही है। अब बारिश में भी पब्लिक बहुत आती है, कम से कम 50,000 तक पब्लिक कभी यहाँ आ चुकी है और माँ का दरबार लगा हुआ है। ये माँ दिन में 3 रूप बदलती है, सुबह बचपना, शाम को दोपहरी में जवानी, शाम को गुरत अवस्था। और माँ के मुँह में 5 पान का बीड़ा दिया जाता है जिससे संतान होने वाली हो, जब भी बीड़ा गिरता नहीं तो माँ के मुँह में लगा रहता है।